नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कपड़े के बटन हम घर पे ही बनाना सीखेंगे। इसके लिए चाहिए हमें कपड़ों के टुकड़े। जो भी आपके पास छोटे या बड़े कपड़ों के टुकड़े हैं उसे ले सकते हो, या फिर अपने कलर च्वाइस अपने हिसाब से जिस भी कलर के आपको बटन चाहिए उस कलर का आप कपड़ा ले लीजिए। और ये हैं पुराने बटन, जिन्हें हम शर्ट पैंट से उतार लेते पुराने कपड़ों से, वो बटन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए भी मैं दूसरा ऑप्शन आपको दूंगी बाद में, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और उसके साथ चाहिए हमें थोड़ी सी कॉटन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे इजी वाला तरीका पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि इसमें हम लेंगे कॉटन और जितना बड़ा आपको चाहिए। कॉटन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये ऊपर से इसकी शेप अच्छी आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड राउंड घुमा देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम सुई धागा लेंगे। और सुई को इसके नीचे के एक साइड से दूसरी साइड निकाल देंगे और फिर इस धागे को इस तरह दो से तीन बार हम घुमा देंगे और इस नोट को फिर टाइट कर लेंगे। खींच के हमें अपने धागे को पक्का कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा मोटा आपको नहीं नीचे रखना है, नहीं तो फिर जब आप इस बटन को लगाओगे तो क्या होता है, बटन थोड़ा सा उठा उठा रहता है। तो इसके लिए आप नीचे से पूरा अच्छे से काट दें और अब इसको किसी भी कपड़े पे जिस पे आपको लगाना है लगा सकते हैं। एक तरीका ये है, अगर हमें बटन दो कलर का बनाना हो तब हम क्या करेंगे उसके लिए भी देख लेते हैं। उसके लिए हमने ये एक पट्टी लिए, एक कपड़ा दो कलर का उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए और ये मैंने 3 इंच का लिया है। इसी तरह दूसरा कपड़ा भी हम 3 इंच का, इसकी लंबाई 3 इंच हो और उसकी चौड़ाई 1.5 इंच हो, ऐसा कपड़ा काट लेंगे। तो अब हम इसको भी कट कर लेंगे। जिस भी दो कलर में आपको बनाना है आप उसी कपड़े को लें और उसको काट लें। और अब हम इन दोनों कपड़ों को सेंटर से काट देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम दो कपड़ों को रखेंगे इनमें से, दोनों अलग अलग कलर के, और यहाँ पे सिलाई मार देंगे। इसी तरह दूसरे कपड़े को भी सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों टुकड़ों को सिलाई लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से आप देख सकते हैं, अब यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस सिलाई को लगा लिया है। अब हमारा डिजाइन इस तरह बनके तैयार हुआ है। इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथों की सहायता से इसको अच्छे से बैठा लीजिए। और अब हम लेंगे बटन और इसमें फिर से हम थोड़ी सी कॉटन लगा देंगे। और इस कपड़े को रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। आप देख सकते हैं अब इसको नीचे से वैसे ही हम राउंड राउंड घुमा लेंगे और ऊपर का डिजाइन एक बार आप अच्छे से घुमा के इसको राउंड बना लीजिए। उसके बाद जब हम इसमें सुई से इसको टाइट कर देंगे तब ये वैसे का वैसा बना रहेगा। धागे को घुमा देंगे इस तरह, आप थोड़ा सा टाइट, आप देखिए बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन जब आप बनाएंगे अपनी कुर्ती पे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस डिज़ाइन को घर पर बनाया है।
और जो पीछे का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर हमारा बटन बन के तैयार हुआ है, और ये उस पर लगाया हुआ कुर्ती पे बहुत ही सुंदर आपका डिजाइन बनाएगा। जितने भी आपको जिस भी कलर के बटन चाहिए इसी तरह आप सारे बटन तैयार कर सकते हैं। बोतल से ढक्कन बनाने के लिए पहले हम बोतल को ऐसे काट लिया है। अब किसी भी साइज़ का, किसी ढक्कन से लेके किसी भी चीज़ की कैप वगैरह लेके आप ऐसे जितना बड़ा आपको चाहिए बटन उसी हिसाब से आप किसी पेन से पेंसिल से निशान लगा लीजिए ऐसे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने इस साइज़ के बॉर्डर से कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने कट कर दिया है। अब हम इस पर कॉटन लगाएंगे। कॉटन लगाने से क्या होगा, एक तो इसकी शेप अच्छी आएगी और दूसरा हमारे बटर में सफाई भी आएगी। अब हम इस पर कपड़ा लगा देते हैं। मैंने ये 2.5 इंच का स्क्वेयर कट कर दिया है। आप जैसे भी बटन, अगर छोटा बटन बनाना है तो आप छोटा स्क्वेयर कट कर लीजिए, 2 इंच का कर लीजिए, और अगर बड़ा बनाना है तो 2.5 इंच का कर लीजिए। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है बटन। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको पहले राउंड राउंड घुमा लीजिए, और उसके बाद हम सुई धागे की हेल्प से इस तरीके से हम एक साइड से सुई डालेंगे और दूसरी साइड निकाल लेंगे। सुई से इसको पक्का कर देंगे, इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। इतना नहीं घुमाना है कि धागा टूट जाए, बस ये टाइटली बंध जाए, इतना ही हमें घुमाना है। और अब इस नोट को गांठ इस तरीके से पूरा इसको पक्का कर लेंगे धागे को, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसको कट कर देंगे। हमें फालतू का कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना है, बस धागे जो हमने सिले थे वो ना कटे, और फालतू का जो कपड़ा है उसको अच्छे से काट देंगे। आप देख सकते हैं हमारा बटन बनके तैयार है, बहुत अच्छा बटन ये बनता है। और इस तरह है, जब हम इस कोरोना की वजह से मार्केट भी नहीं जा सकते तो अपनी कुर्ती पे इस तरह के बटन बना के आप लगाइए। मैंने आपको दिखाया है 2-3 तरीक़ों से, उस तरह से आप कोई भी तरीके से बटन बना सकते हैं। बनाने के लिए मैंने ये 1.5 इंच के 4 स्क्वेयर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इनको पहले सिलाई लगा लेती हूँ, इसको इसके साथ यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 पीसेज को ऐसे जोड़ लिया है, और इस वाले को मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने इस सिलाई को ऐसे सीधा कर दिया है। आप या तो प्रेस की सहायता से कर सकते हैं या ऐसे नेल्स की सहायता से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको सिलाई लगा देंगे। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, जब आप ये सिलाई लगाओ तो इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल ये सिलाई आनी चाहिए, जो ये सिलाई है नीचे वाले 2 की, ये ऊपर वाली इसके बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रख के आपको सिलाई लगानी है। लगा लिया है। अब मैं इसके साथ बटन बना के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों मैंने बोतल के उससे काट लिया है प्लास्टिक, अब पर आप कॉटन लगा के अब शेप दे लीजिए। अब हम बिल्कुल जो ये सिलाई है आप देखिए, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के इस तरह, और इसको नीचे से गोल गोल घुमा देंगे। आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपके बटन में सफाई आएगी तभी ही बटन अच्छा लगेगा, नहीं तो आपका बटन अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से आप मल्टी कलर का बटन तैयार कर सकते हैं। इसको अब हम धागे और सुई की सहायता से पूरा इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से आप सुई धागे से इसको टाइट कर दीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हमारा मल्टी कलर का बटन बनके तैयार हुआ है। बस दोस्तों आपको इसमें सिर्फ इसी बात का ख्याल रखना है कि आपके बटन में सफाई आनी चाहिए। जितनी सफाई आप ला सकते हो उतना ही अच्छा है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप कॉटन को रखो, प्लास्टिक की जो आपने कैप काटी है उसके ऊपर जब रखो तो उसको अच्छी सी शेप दे लो। बिल्कुल अच्छे से शेप देने के बाद आप जब कपड़ा लपेटोगे तो शेप वैसी ही आएगी जैसी आपने बनाई है। तो इस तरीके से मैंने सारे बटन तैयार कर लिए हैं, ये देखिए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह आप भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बटन बना सकते हो।
दोस्तों मैंने इन बटनों को कुर्ती की बाजू पे अटैच कर दिया है और ये कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस तरीके से आप जिस भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ बटनों को बनाना चाहे घर पे ही आसानी से प्लास्टिक की बोतल से आराम से बना सकते हैं। और जिस भी दो कलर में, चार कलर में, तीन कलर में, जितने कलर में भी चाहिए आप बना सकते हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।